नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बम्पर वैकेंसी निकाली हुई है। एसएससी के फेज़ 8 के तहत 1200 पोस्ट और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2020 अप्रेंटिस पोस्टें 500 की भर्तियां आई हुई हैं। और इसकी डिटेल वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले हम एसएससी देखते हैं। एसएससी का डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, ये है। और ये 21/2/2020 की डेट में आया हुआ नोटिफिकेशन है। ये टोटल 1200 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है। इसमें न्यूज़ ये है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एक बार फिर बम्पर वैकेंसी निकाली है। आयोग ने 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती अभियान के तहत आयोग विभिन्न श्रेणियों में कुल 245 श्रेणियों में 1157 पदों पर नियुक्तियाँ करेगा। ऐसे में ग्रेजुएट और 12वीं पास युवाओं के पास एक शानदार मौका है कि वे सरकारी नौकरी पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 20 मार्च तक चलेगी। उम्मीदवार इस तारीख तक या इसके पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि फीस का भुगतान 20 मार्च को रात 11:50 तक होगा। इस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के लिए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देनी होगी। वहीं ये परीक्षा 10 से 12 जून 2020 तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि जो लिखित एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उन्हें स्किल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को 35% और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 30% और अन्य कैटेगरी के लिए 25% होना जरूरी है। आयु की बात करें तो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में छूट दी गई है। मतलब मिनिमम आय 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। जनरल के लिए ओबीसी के लिए 28 वर्ष और एससी के लिए 30 वर्ष की मैक्सिमम एज इसमें निर्धारित की गई है। अब दूसरी पोस्ट जो हमारी है वो IOCL की है। इसकी नोटिफिकेशन भी आप देख लीजिए, ये इंडियन ऑयल का लोगो है। और इसका दोनों का नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। ये इसका पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन है। और इससे संबंधित अब न्यूज़ भी हम देख लेते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अकाउंटेंट, टेक्नीसियन और ट्रेड अप्रेंटिस समेत इन पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 20 मार्च तक इस पर भी प्रक्रिया चलेगी। इसलिए कैंडिडेट इस तारीख या इसके पहले तक आवेदन कर दें। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 500 पद भरे जाने हैं। इंडियन ऑयल की ओर से निकाली गई वैकेंसी में 364 पद तकनीकी के लिए और 136 गैर तकनीकी अप्रेंटिस पदों के लिए है। बता दें कि सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादरा और नागर हवेली में नियुक्तियां दी जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ SSC में 25 वर्ष थी, यहाँ पर मात्र 24 वर्ष ही है। वहीं आयु की गणना 28 फरवरी तक के लिए की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास संबंधित पद के अनुसार ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास ITI डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये वैकेंसीज़ की डिटेल थी, जिसमें 1200 पद SSC के लिए और 500 पद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाले हुए हैं। ये पूरा उसका डिटेल नोटिफिकेशन है। इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा मौका है। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसके लिए फॉर्म भरें और उसकी तैयारी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।